हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था विद्युत क्षेत्र, और हमने बात की थी इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने बताई थी किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश राशि है, ठीक है, एफ अपॉन में क्यू नॉट। यदि परीक्षण आवेश पर एफ बल कार्य करता है तो ये क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई वेक्टर कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा किसकी दिशा को बताती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र शब्द एक ही है, समझ में आई बात, ठीक है। जहाँ भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होगी वो किसकी दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। किसकी दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। इसके मैंने मात्रक बताए आपको, इसके मात्रक होते हैं न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। समझ में आई नहीं बात, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर इसके क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। तो ये मैंने आपको बात यहाँ तक बता चुका हूँ। तो हम बात करते हैं बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो हमारे पास एक टॉपिक है भैया, बिंदु आवेश के कारण। हम बात कर लेते हैं बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में बात, हम बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो मैंने क्या किया कि एक बिंदु आवेश ले लिया, ये कोई बिंदु आवेश है, यहाँ एक बिंदु आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, कितना है प्लस क्यू, बिंदु ओ पर कहाँ रखा हुआ है, बिंदु ओ पर। समझ में आई बात, बिंदु ओ पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और यहाँ से मैंने स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, यहाँ से मैंने स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु लिया पी, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु लिया पी, ये बिंदु पी है और यहाँ कोई आवेश रखा हुआ है क्यू नॉट। समझ में आई बात, ई वेक्टर लगा दिया यहाँ जो एफ है। तो देखो हम बात कर लेते हैं बिंदु आवेश का। तो देखो बिंदु आवेश, कोई बिंदु धनावेश रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, ओ बिंदु पर, मूल बिंदु ओ पर कोई बिंदु धनावेश रखा हुआ है। समझ में आई बात, बिंदु धनावेश रखा हुआ है, और जिससे स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है पी, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। अतः बिंदु P पर हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण आवेश ले लेते हैं Q नॉट। कितना लेते हैं, Q नॉट। तो मैंने यहाँ एक परीक्षण आवेश ले लिया Q नॉट, कितना ले लिया Q नॉट। बेटा परीक्षण आवेश ऐसा आवेश है जो इसके विद्युत क्षेत्र से प्रभावित तो होगा लेकिन इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसलिए ये अपने विद्युत क्षेत्र से इसको प्रभावित नहीं करेगा, ले सकते हैं। इस पर तो इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण इस पर तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगेगा लेकिन इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं है तो ये स्वयं इसको प्रभावित नहीं करेगा। समझ में आई बात, ठीक है। मैंने बताया कि यहाँ अच्छा धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ निकलती हैं, बाहर निकलती हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा किसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। किसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वही विद्युत बल की दिशा होती है। मैंने विद्युत बल बताया था एम बराबर में क्यू नॉट ई वेक्टर, समझ में आई बात, ठीक है। मैंने जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी तो मैंने आपको विद्युत बल बताया था एम बराबर में क्यू नॉट
पी वेक्टर। समझ में आई नहीं बात? ठीक है, तो हम यदि बात करें तो मूल बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, प्लस Q आवेश स्थित है, अतः मूल बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर परीक्षण आवेश कितना है, Q नॉट है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आई बात? ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ कहाँ है, विद्युत क्षेत्र कहाँ है, प्लस आवेश से धनावेश से विद्युत क्षेत्र का बाहर निकलती है, इसलिए बाहर की ओर बना दी है। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वही विद्युत बल की दिशा होती है। समझ में ही बात? ठीक है, तो लिखो इसमें फटाफट जल्दी। माना मूल बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, माना मूल बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, मूल बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, मूल बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, मूल बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P, मूल बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मूल बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अतः बिंदु P पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण आवेश Q नॉट लेते हैं, एक परीक्षण आवेश Q नॉट लेते हैं, एक परीक्षण आवेश Q नॉट लेते हैं, Q नॉट लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ एक परीक्षण आवेश ले लिया Q नॉट, यहाँ कितना आवेश है प्लस Q, तो Q नॉट और प्लस Q के मध्य में कौन सा बल लगने लग जाएगा, स्थिर वैद्युत बल, कौन सा बल लगेगा, स्थिर वैद्युत बल लगने लग जाएगा, प्लस Q और बेटा प्लस Q और माइनस Q नॉट के मध्य, प्लस Q और Q नॉट के मध्य। आपने चित्र बना लिया होगा, या चित्र बना लेना, पहले चित्र बनाना फिर लिखना उसके बाद, ठीक है, पहले चित्र बनाना फिर लिखना। तो इन दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा, कूलाम्ब बल। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं प्लस क्यू व क्यू नॉट के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, जिसका नाम क्या है, कूलाम्ब बल, क्या है, कूलाम्ब बल, कितना होता है, के क्यू ये होता है या के क्यू है बराबर में के क्यू वन क्यू टू बटे में आर स्क्वायर, यहाँ कितना लगेगा, एफ बराबर में के क्यू क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर, समीकरण नंबर एक डाल दें, कितना देंगे, समीकरण नंबर एक, इन दोनों के मध्य में ये बल कार्य करेगा। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, परिभाषा क्या होती है, E बराबर में F अपॉन में U नॉट, मान रखेंगे इसको समीकरण नंबर दो, समीकरण एक से, समीकरण एक से मान दो में रखने पर, ठीक है, रख देंगे E बराबर में क्या आ जाएगा, के Q Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, बिंदु पर आवेश कर्ण के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर दे देंगे तीन। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्या जाएगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। फटाफट बताओ इसको,
के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। जल्दी उतारेंगे फटाफट। हाँ आगे देखिए, देखो सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में, सदिश रूप में, सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? देखो बेटा विद्युत क्षेत्र की सदिश राशि के कांस्टेंट क्यू अदिश और दूरी आर भी क्या होती है, अदिश केवल दूरी का क्या आ जाएगा एकांक सदिश, तो ई वेक्टर बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप क्या जाएगा, आर कैप, आर कैप एक एकांक सदिश है, एकांक सदिश है जो दिशा को व्यक्त करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा ओपी के अनुदिश होगी। समझ में आई बात, ओपी के अनुदिश होगी, फटाफट उतारो किसके अनुदिश होगी, ओपी के अनुदिश होगी। ओपी के अनुदिश होगी, ओपी के अनुदिश होगी दिशा भैया, हाँ देखो समीकरण, समीकरण नंबर एक से क्या दिख रहा है आपको, समीकरण एक क्या कह रहा है, समीकरण तीन क्या कह रहा है, देखो समीकरण तीन क्या कह रहा है, समीकरण तीन ये कह रहा है कि विद्युत बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण तीन क्या कह रहा है, समीकरण तीन कह रहा है कि बिंदुवत आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के। तो नीचे लिखेंगे अतः समीकरण तीन से स्पष्ट है कि, अतः समीकरण तीन से स्पष्ट है कि, अतः समीकरण तीन से स्पष्ट है कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ई व्युत्क्रमानुपाती वन अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ग्राफ बना लेना भैया, ग्राफ व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ बना लेंगे, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले ली, यहाँ ले लिया दूरी ले ली आर, तो व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ ये बना देंगे आप, इस प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती क्या बन जाएगा, पल पर आकार का ग्राफ बन जाएगा, और ये क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे ई
अच्छा ये तो था ई और आर में ग्राफ, अगर ई और वन अपॉन आर में ग्राफ बनाएंगे तो ये ले लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और वन अपॉन आर यहाँ ले लिया तो कैसा होगा स्ट्रेट लाइन, कैसा होगा स्ट्रेट लाइन ई समानुपाती वन अपॉन में आर, समझ में आई बात? ठीक है आप ये उतारेंगे दोनों ग्राफ बनाएंगे फटाफट जल्दी। ग्राफ बना लो व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ बनाओ, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बना लो फटाफट जल्दी। दोनों ग्राफ बनाते हैं आर ई और आर, ई और वन अपॉन आर के मध्य ग्राफ बनाएंगे। हाँ तो ये आपने उतार लिया होगा, अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं अब। हाँ अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं, तो अगला टॉपिक है आपका बहुल आवेशों के कारण अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का या विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण का सिद्धांत, तो या तो ये हेडिंग डाल देना आप, ठीक है, या फिर आप डाल देना हेडिंग विद्युत क्षेत्रों का विद्युत क्षेत्रों का अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है एक एक ही हेडिंग भैया, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, या हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्रों का अध्यारोपण का सिद्धांत, समझ में आई बात? तो देखो कैसे निकालते हैं हम अध्यारोपण सिद्धांत, जैसे कि मैंने बात की थी एक टॉपिक है सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे हम, मैंने एक बात की थी आपके लिए बताया था बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल, समझे बात, या बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत, मैंने एक निकाय दिया था उसमें बहुत सारे आवेश लिए थे, ठीक है, उनके मध्य में रख दिया था एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट, अब प्रत्येक आवेश परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, समझ में नहीं बात, याद करो फटाफट जल्दी, मैंने क्या किया था, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था अभी
इससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया था और टॉपिक का नाम था बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल या बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। मैंने क्या किया कि एक निकाय लिया जिसमें बहुत सारे आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q है। इन सभी आवेशों के मध्य मैंने परीक्षण आवेश को रखा था Q0। समझ में नहीं बात, ठीक है। और यदि उस परीक्षण आवेश पर हम परिणामी बल निकालें तो वो कैसे निकालेंगे? बीजगणितीय योग से। किसे? सदिश योग से। किसे? सदिश योग। सदिश योग से प्रत्येक आवेश उस क्यू नॉट पे बल लगाएगा और सभी आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से जितना भी बल लगेगा उसका सबका योग कर देंगे, सदिश योग कर देंगे, ठीक है। और वो क्या आ जाएगा? वो क्या कहलाएगा? बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। समझ में एक बात। सेम टू सेम यहाँ भी क्या करेंगे कि एक निकाय लेंगे, उसमें बहुत सारे आवेश हैं और उन आवेशों के मध्य में एक रख देंगे परीक्षण आवेश को। किसको रख देंगे? परीक्षण आवेश को। अब प्रत्येक, तो देखो मैं एक निकाय लेता हूँ, यहाँ भी ऐसा ही करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक निकाय लिया, ये मैंने एक निकाय लिया यहाँ। अब मैं इस निकाय को मैं क्या करता हूँ, इसके बहुत सारे आवेश यहाँ मैं ले लेता हूँ इस निकाय पर। तो यहाँ कोई मूल बिंदु है अपना O और यहाँ कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0, ठीक है। और बहुत सारे आवेश हैं, डॉट 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 लगाता हूँ यहाँ, डॉट डॉट, ठीक है। Q1, Q2 और Qn, ठीक है। इसका स्थिति सदिश मान लेता हूँ मैं R1 वेक्टर, कितना लेता हूँ? R1 वेक्टर। इसका मान लेता हूँ मैं R2 वेक्टर, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ और, ये कोई आपका निकाय हुआ, ठीक है। यहाँ आपका कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0 बिंदु O पर, डॉट डॉट डॉट, यहाँ Q1, यहाँ Q2 और यहाँ Qn। इसका स्थिति सदिश मान लिया मैंने R1 वेक्टर, इसका मान लिया R2 वेक्टर और इसका मान लिया मैंने Rn वेक्टर। समझ में आई बात। अब प्रत्येक आवेश अपना विद्युत क्षेत्रफल करेगा, तो Q1 ने अपना विद्युत क्षेत्रफल कर दिया, ये E1 वेक्टर, ठीक है। ऐसे Q2 ने कर दिया E2 और Qn ने कर दिया En और ये आपका हुआ प्रभार या फिर क्षेत्र या फिर कोई निकाय। समझ में ये बात, ठीक है। तो कोई निकाय है और उसमें बहुत सारे आवेश हैं, Q1 है, Q2 है, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे आवेश Qn, ठीक है, जिनके मूल बिंदुओं के सापेक्ष स्थिति सदिश हैं R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, Rn वेक्टर, ठीक है। इन आवेशों के मध्य में कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0। क्या रखा हुआ है? अब Q0 आप जानते हैं परीक्षण आवेश की तो आदत है, स्वयं का तो विद्युत क्षेत्र होता नहीं, ठीक है। दूसरे के विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होगा लेकिन अपना तो कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं इसका, तो इस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आरोपित होगा? इस पर परिणाम विद्युत क्षेत्र, ये भी अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ऐसे ये अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो सभी अलग अलग आवेशों का जो विद्युत क्षेत्र है उसका मैं सदिश योग करूं तो Q0 आवेश पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं और ये कहलाता है आवेशों का, बहुल आवेशों का विद्युत क्षेत्र, बहुल आवेशों का उत्पन्न विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्रों का क्या कहलाता है? अध्यारोपण का सिद्धांत। विद्युत क्षेत्रों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। समझ में, जैसा कि मैं पहले बलों को करा चुका हूँ सेम टू, तो आप पहले डायग्राम बनाएंगे, फटाफट डायग्राम बनाओ। इसको यहाँ E2 लिखेंगे, E2
जल्दी बनाओ फटाफट। हाँ देखो, चित्र अनुसार किसी निकाय में बहुल आवेश, चित्र अनुसार किसी निकाय में बहुल आवेश, चित्र अनुसार किसी निकाय में बहुल आवेश क्रमशः Q1 Q2 क्रमशः Q1 Q2 .. Qn है। चित्र अनुसार किसी निकाय में बहुल आवेश Q1 Q2 .. Qn है जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम से R1 वेक्टर R2 वेक्टर .. Rn वेक्टर है। जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम से R1 वेक्टर R2 वेक्टर .. Rn वेक्टर है। Rn वेक्टर हैं। बिंदु O पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। बिंदु O पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अतः परीक्षण आवेश Q0 पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अतः परीक्षण आवेश Q0 पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभिन्न आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। इसे विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अगली लाइन लिखना। अतः बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो देखो तीव्रता निकाल देंगे। E वेक्टर बराबर में E1 वेक्टर प्लस में E2 वेक्टर .. Enn वेक्टर। कोई समस्या? ठीक है, प्रत्येक आवेश अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी मैंने। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बोलो? E बराबर में KQ/R2। बिंदुवत आवेश कारण अभी मैंने बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की केवल एक आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी KQ/R2। कितनी निकाली थी? KQ/R2। तो यहाँ निकालेंगे तो E पहले इसके कारण Q1 कारण E1 उत्पन्न हो रही है। E1 वेक्टर बराबर में KQ1 बटे में R1 का स्क्वायर R1 का कैप। समझ में आई बात? ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे।
इसी प्रकार T2 निकालेंगे, T2 वेक्टर बराबर में KQ2 अपॉन में R2 का स्क्वायर R2 का कैप। समीकरण नंबर 3 ।  EN वेक्टर बराबर ।  KQN अपॉन में RN का स्क्वायर RN कैप। समीकरण नंबर 4। समझ में नहीं बात? ठीक है, इसी प्रकार हम मान आगे निकाल देंगे। उतारो ही जल्दी, उतारो यहां पर फटाफट जल्दी। जल्दी तो फटाफट देखो। अब क्या करेंगे, समीकरण 2, 3 और 4 से मान का रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखो समीकरण 2, 3, 4 से मान का रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखो यहाँ ई वेक्टर बराबर में देखो E1 का मान कितना है, E1 का मान KQ1 अपॉन में R1 का स्क्वायर R1 कैप प्लस में KQ2 अपॉन में R2 का स्क्वायर R2 का कैप। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या रखते जाएंगे, मान रखते जाएंगे। समझ में नहीं बात? जब इसी प्रकार से हम मान रखेंगे तो डॉट 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 EN का मान कितना आ जाएगा KQN अपॉन में RN का स्क्वायर RN का कैप। समझ में नहीं बात? K कॉमन ले लेंगे। तो देखो E वेक्टर बराबर में K कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, Q1 बटे में R1 का स्क्वायर R1 कैप प्लस में Q2 बटे में R2 का स्क्वायर R2 का कैप। तो डॉट QN अपॉन में RN का स्क्वायर RN का कैप। ये सब एकांक सदिश आ रहे हैं, क्या रहे हैं, एकांक सदिश आ रहे हैं, इनके साथ में दिशा को व्यक्त कर रहे हैं। किसे व्यक्त कर रहे हैं, दिशा को व्यक्त कर रहे हैं। इसको मैं समेशन लिख सकता हूँ, इसको तो मैं इसको समेशन लिख लिया, E वेक्टर बराबर में K समेशन i=1 से n। ठीक है, तो QIRI का स्क्वायर QIRI का स्क्वायर और RI का कैप, ये आपकी आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आई बात? ये क्या आ जाएगी आपकी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी।
ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा, यहां तक आप उतारो फटाफट। आगे हम कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताएंगे आपको, विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। समझ में आई बात? ठीक है।